मनाजिले करबला 60 हिजरी 27 रजब अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोजे मुबारक पर आखिरी हाजिरी देने के बाद इमाम हुसैन शहर मदीना छोड़कर मक्का की जानिब चल पड़े और 4 शाबान को मक्का पहुँचे और 8 जुलहिज्जतुल हराम को मक्का से करबला की तरफ चल पड़े। इस सफर में इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने तकरीबन 20 जगहों पर स्टे किया। उनमें से चंद मकामात जहां कोई वाकया पेश आया वो मकामात हम आपको दिखाएंगे। पहली डेस्टिनेशन बुस्तान इब्ने आमिर क्रॉस करने के बाद जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु दूसरी मंजिल सफाह पर पहुंचे तो वहां आपकी मुलाकात अरबी के एक मशहूर शायर फरजदक से हुई जो बाय चांस कूफा से ही आ रहा था। आपने इसे कूफा की सिचुएशन के बारे में पूछा तो उसने कहा, ए नवासे रसूल, उनके दिल तो आपकी फेवर में है लेकिन उनकी तलवारें आपके अगेंस्ट हैं। इमाम हुसैन का तीसरा स्टे जाते इर्क नामी सुनसान और वीरान जगह पर हुआ जहां एक शख्स बशीर बिन गालिब ने इमाम हुसैन के काफिले वालों को टेंट्स लगाते देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ। फिर उसने आकर इमाम हुसैन से मुलाकात की तो दौरान गुफ्तगू इमाम हुसैन ने उसे अपने सफर का मकसद बताया और साथ अपनी शहादत की खबर भी दी। इमाम हुसैन का चौथा स्टे हाजिज था। इस मकाम पर आले रसूल ने कुछ देर आराम फरमाया और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने कूफा वालों के लिए एक खत लिखा और उसे हजरत कैस के हाथों कूफा वालों को रवाना किया। पांचवी मंजिल बाजुल उयून और छठी मंजिल हुजैमिया को क्रॉस करके इमाम आली मकाम जब सातवीं मंजिल जरूद पर पहुँचे तो आपको जुहेर बिन अल कैस नामी शख्स मिले जो कि हजरत उस्मान गनी के करीबी लोगों में से थे और हज अदा करके आ रहे थे। उसने जैसे ही इमाम हुसैन से मुलाकात की तो उसने अपने घर जाने के बजाय इमाम हुसैन का रफीक सफर बनने को प्रेफर किया। आठवीं मंजिल सालिबिया पर एक गमनाक इमाम हुसैन के इंतजार में थी। यही वो मकाम था जहां आपके चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील और उनके दो बेटों की शहादत की दर्दनाक खबर मिली। इस पर आपने खुद बरशात फरमाया और हालात की संगीनी से काफले वालों को आगाह कर दिया ताकि कोई जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन आपके साथ सफर शुरू करने वालों में से किसी ने पीठ न फेरी। मुश्किलात में इजाफा और जर्नी डिफिकल्ट होती जा रही थी क्योंकि इब्ने जियाद गवर्नर कूफा को इमाम हुसैन के आने की खबर मिल गई थी और उसने अपने बहादुर और माहिर कमांडर हुर को 1000 का लश्कर देकर इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने भेज दिया। इमाम हुसैन जुहाला बतने उकबा और शराफ से गुजरने के बाद जब 12वीं मंजिल सुराख पहुँचे तो आपका सामना हुर और उसके 1000 के लश्कर से हुआ। इस रेगिस्तानी इलाके में हुर और उसके लश्कर वालों का प्यास से बुरा हाल हो चुका था और उनके पास पानी भी नहीं था तो इमाम हुसैन ने उनको अपने हाथ से पानी पिलाया। फिर आपने उनके सामने तकरीर की और जब आप जोहर की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो आपके काफिले वालों के साथ हुर के लश्कर ने भी आपके पीछे नमाज पढ़ी। 13वीं मंजिल कादसिया, ये है टर्निंग पॉइंट। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को जाना तो कूफा था लेकिन आपने रास्ता तब्दील कर दिया और आप करबला की तरफ चलना शुरू हो गए। इमाम हुसैन अपनी मंजिल शहादत की तरफ सफर करते हुए मुगीसा, उजीबुल हिजानात, बैदा और जू हुसम के बाद जब 18वीं मंजिल कसरे बनी मुकातिल पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। आपने रात यहीं गुजारी और सुबह जब इमाम हुसैन यहां से रवाना हुए तो आपकी जबान पर इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन के कलिमात जारी थे। आपके बेटे अली अकबर ने आपसे ये कलिमात पढ़ने की वजह पूछी तो आपने फरमाया कि बेटा, मैंने अभी ख्वाब देखा है और उसमें हमें शहादत की खबर दी गई है। तो आपके शहजादे ने पूछा कि ऐ बाबा जान,
क्या हम हक पर नहीं हैं? तो इमामे हुसैन ने फरमाया, क्यों नहीं? तो आपके शहजादे ने बहादुरी से जवाब दिया कि फिर मौत से कोई डर नहीं। इमाम हुसैन का सफर शहादत, सफर बकाए इस्लाम अपने एंड को पहुंचने लगा था। बस दो स्टॉप बाकी थे और वो सारी बातें हकीकत होने वाली थीं, जो बचपन से आपकी शहादत के बारे में मशहूर थीं। इमाम हुसैन जब अपनी सेकंड लास्ट मंजिल नैनवा पर पहुंचे, तो आपकी आंखों के सामने भी वो सारा मंजर घूमने लगा जो आप अपने वालिद से सुना करते थे। अभी इमाम ने थोड़ा ही फासला तय किया था, एक रेगिस्तान मैदान नजर आया और अभी वो सारा कयामत खेज मंजर आपकी नजरों में घूम ही रहा था कि हुर अपने लश्कर के साथ एक बार फिर आपके सामने आ गया और उसने बताया कि गवर्नर कूफा इब्ने ज़ियाद ने मुझे खत दिया है कि आप जिस जगह पर हों वहीं आपको रोक लूं और आपको एक ऐसी जगह पर ठहराऊं जहां पानी वगैरह कुछ भी ना हो। और बिलाखिर आपका सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा और दो मुहर्रम के दिन इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर इस चटियल रेगिस्तानी मैदान में पूरे काफले अहले बैत नबूवत और उनके असहाब को इस 1000 के लश्कर ने रोक दिया। इमाम हुसैन ने दरियाफ्त फरमाया कि इतना तो बताओ कि इस जगह का नाम क्या है, तो जवाब दिया गया, इस जगह को करबला कहते हैं। तो इमाम हुसैन ने अपने खानदान से फरमाया कि बस यही हमारे ठहरने की जगह है, यही हमारा खून बहाया जाएगा और यही हमारी कब्रें बनेंगी। यहाँ यजीदी फौज की गुस्ताखियां देखकर इमाम हुसैन को सबसे पहले रोकने वाले हजरत हुर रदियल्लाहु अन्हु इमाम हुसैन की बारगाह में मुआफी मांगकर हाजिर हुए और अपनी जान आप पर कुर्बान कर दी। यही करबला का मैदान आपके तवील सफर की 20वीं और आखिरी मंजिल थी और 8 दिन बाद अहले बैत अतहार पर जुल्म सितम करके आप पर और अहले बैत पाक पर पानी बंद करके आपके साथियों को भूख और प्यास की हालत में शहीद कर दिया गया और 61 हिजरी 10 मुहर्रम यानी आशूर के दिन तपते सहरा 3 दिन की भूख और प्यास और सजदे की हालत में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन।